तो 80-80 के फुट 6-6 फुट लंबे जॉन भाई ने ऐसे गुस्सा मारा, आटे की तरह भोरी की तरह ऊपर उठाया। दिस इज ओके, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि ऐसा हो सकता है, लेकिन गुंडे वो तो गुंडे है, उनको क्या फर्क पड़ता है। जॉन भाई इनकी पटाई कर ही रहे होता, लेकिन तब इन नेशनल एंथम स्टार्ट हो जाता है। गुंडे ने बैट मारा, बैट ऐसे टूटी जैसे कागज की बैट थी। जॉन भाई नेशनल एंथम सुनकर एकदम स्टैंड से खड़ा हो गया। इतना तो छोड़ो, इतना तो कॉमन बात है, हो सकता है इसके पास बहुत ज्यादा पावर हो इसलिए इसको पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे नेशनल एंथम खत्म हो जाता, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, से बाइक रोक दी। बट क्या यार, ये तो नॉर्मल है, ये भी मैं भी कर सकता हूं। अरे भाई जॉनी भाई ने तो अभी सीरा है, बाइक को हवा में उड़ा दिया, और देखो पकड़ा कहां पर है इसने। उठाया तो उठाया, लेकिन उसके बाद रोड रोड इसको घुमा भी रहा है। तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ मूवी में, यहाँ पर देखो इसने पकड़ा कहां पर है बाइक, क्या ग्रेविटी का कोई यूज भी नहीं है इसमें। यहाँ पर सल्लू भाई का मूवी में इंट्रोडक्शन हो रहा है, और ये विलन का रोल है। विलन अपने घर में फोन निकाल रहा है और फोन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तभी एक साया है जो कि फ्लैश की स्पीड से भी ज्यादा था, और उसको मुंह को कट कर दिया, इसके फेस को भी कट करके चला गया, और उसको पत्ता भी नहीं चला। और आप लोग स्लो मोशन में देख सकते हो कि इतनी तेज आने के बाद इसने अपने मुंह में एक कांच लिया और कैसे फेंका, और सब कुछ कट गया, और उस विलन को कुछ पता ही नहीं चला कि अपने सल्लू भाई ही इज द फास्टेस्ट मैन अलाइव। तो ये थी कुछ बॉलीवुड की कहानी। लेकिन हैरान की बात यह है कि जब ये विलन देखता है कि मुझे कट किसने किया, देखकर ये एकदम से शॉक हो जाता है।